Hey, what's up though? Tech Boys here. So अगर आपको भी एक लैपटॉप परचेस करना है अंडर 15,000, गेमिंग वाला लैपटॉप आप परचेस करना है अंडर 15,000, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 3 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूँ जो कि अंडर 15,000 ही आते हैं और जो स्पेसिफिकेशंस लाते हैं ना गेमिंग के जैसे स्पेसिफिकेशंस लाते हैं। तो इन तीनों के तीनों लैपटॉप्स को मैंने कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए चूज़ किया, तो सबसे पहले इसमें हमें बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड मिलना चाहिए कि 2 GB तक का ये ग्राफिक्स कार्ड मिलना चाहिए। साथ ही में हमें इसमें प्रोसेसर मिलना चाहिए इंटेल कोर i5 9th जनरेशन का, तो ये प्रोसेसर मिलना चाहिए। 8 GB की रैम होनी चाहिए और 1 TB तक की SSD और HDD हमें इसमें देखने को मिलनी चाहिए। और साथ ही में इस लैपटॉप में जो गाइस हमें बेस्ट डिस्प्ले मिलना चाहिए, यानी कि 14 या 15 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया को मैंने ध्यान में रखते हुए इन सारे लैपटॉप्स को चूज़ किया है। और ऐसे 3 लैपटॉप्स है और जो फर्स्ट लैपटॉप होने वाला है उसमें ये सब कुछ होने वाला है, यानी कि इससे भी बढ़कर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो टेक बॉय T7 चैनल। सो विदाउट गेटिंग फर्दर लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो भाई, इन टॉप 3 लैपटॉप में से हमारे 3rd नंबर पर आता है लैपटॉप लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आइडियापैड S145। यस, ये लैपटॉप आपको 49,990 रुपीज़ को मिल जाएगा। ऑफर में और कम होता रहता है तो अच्छी बात है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें जो डिस्प्ले हमें 15.6 इंच का दिया गया, जो कि FHD डिस्प्ले, FHD प्लस तो नहीं, FHD डिस्प्ले दिया गया। साथ में से इसमें हमें प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 9th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया, जो कि मुझे लगता है सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और सबसे बेस्ट प्रोसेसर भी हम बोल सकते हैं सारे लैपटॉप्स में। तो इसमें हमें रैम मिल जाती है 8 GB की। साथ में इसमें हमें जो स्टोरेज है, इसमें हमें 2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें 1 TB का स्टोरेज दिया गया है, 1 TB की HDD प्लस 256 GB की SSD भी दी गई है। तो लेनोवो ने इसमें स्टोरेज का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो हमें इसमें 2 स्टोरेज टाइप दिए गए हैं। अगर हम इसके ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड हमें इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है, यानी कि NVIDIA का MX250 दिया गया, जो कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसका ग्राफिक्स कार्ड कम होने की वजह से इसलिए मैंने इसे 3rd नंबर पर रखा, क्योंकि आपको तो पता है गेमिंग या एडिटिंग या कौन सी भी लैपटॉप्स बोल लो, आप गेमिंग करनी है या एडिटिंग करनी है, उसके लिए बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड तो लगता है। तो इसमें थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड कम है, तो इसलिए मैंने इसे 3rd नंबर पर रखा। तो चलिए जल्दी से हमारे लैपटॉप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उस लैपटॉप नंबर 2 को भी देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास 2nd नंबर पर जो लैपटॉप आता है ना, वो आता है एसुस की तरफ से, एसुस टफ गेमिंग FX505DY, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसमें हम AAA टाइटल्स आराम से रन कर सकते हैं और हेवी एडिटिंग भी आराम से हैंडल कर लेगा। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले दी गई है। साथ में इसमें हमें 8 GB की रैम मिलती है। और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 565 GB की SSD दी गई और प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट भी है। आप इसमें अगर आप हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो तो आप इसमें आराम से लगा सकते हो। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दिया गया AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5 3550H, तो अच्छा प्रोसेसर है, राइजन की तरफ से आता है, तो अच्छी एडिटिंग इस पर भी हो जाती है। अगर हम इसके ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें हमें दिया गया है AMD की तरफ से आने वाला AMD Radeon RX 560X, जो कि 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। मेरे हिसाब से तो 4 GB बहुत ही कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड होगा गेमिंग में, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी कि OS विंडोज 10 दिया गया होम, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, ASUS की तरफ से आता है। आप देख सकते हैं अगर आपको ASUS का लैपटॉप लेना है तो। सो फर्स्ट नंबर पे भी हमारे पास ASUS का ही लैपटॉप आता है, वो भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, तो उसको भी देख लो। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर जो लैपटॉप आता है ना, वो सबसे बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि वो भी ASUS की तरफ से आता है। उसका जो नाम है वो है ASUS VivoBook लैपटॉप, तो ये भी एक गेमिंग लैपटॉप आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड जो हमें देखने को मिल जाता है, वो मिल जाता है NVIDIA का GeForce GTX 1650, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। तो भाई आप समझ सकते हो इसको फर्स्ट पे रखने का क्या कारण था। तो अगर हम इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें डिस्प्ले जो मिलता है, वो मिलता है 15.6 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले, और साथ में इसमें 8 GB की रैम। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हम इसमें इंटेल का कोर i5 8th जनरेशन का दिया गया, अच्छी बात है, इंटेल के प्रोसेसर बहुत ही कैपेबल होते हैं कौन सी भी हैवी एडिटिंग या हैवी गेमिंग के लिए। साथ ही में इसमें हमें जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, मैंने आपको बता दिया NVIDIA का GeForce GTX 1650, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, तो बहुत ही कैपेबल है। और साथ में इसमें हमें ना सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट भी दिया गया है। सो अगर आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा या
कीवर्ड टाइप नहीं करने, तो आप सिर्फ अपना फिंगर रख के आप सिक्योरिटी को अनलॉक कर सकते हो। साथ ही में अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 2 GB के SSD दी गई है, प्लस हमें इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी दिया गया है। अगर आप फ्यूचर में इसमें हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसमें विंडोज 10 दिया गया है, विंडोज 10 होम। तो ओके, ये सारी इसके स्पेसिफिकेशंस थे, अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी वजह से मैंने इसे टॉप पर रखा है और बहुत ही अच्छा लैपटॉप इन सारे लैपटॉप में से। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो लेनोवो का लैपटॉप था उसको लास्ट पर ही क्यों रखा, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है और उसके उसमें जो स्टोरेज था वो ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको हमारी लिस्ट में लिया। सेकेंड नंबर पर हमें ASUS का FX505DY देखने को मिल जाता है, इसे मैंने सेकेंड इस पे इसलिए रखा क्योंकि इसमें हमें थोड़े से फीचर्स कम दिए जाते हैं, और अच्छे फीचर्स तो है थोड़े से कम दिए जाते हैं। इसमें हमें फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, पर इसमें हमें फिंगरप्रिंट भी दिया गया और जो लैपटॉप टूटा है ASUS का उसके जैसे स्पेसिफिकेशंस इसमें भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में अगर हम जो लैपटॉप नंबर 1 है इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 51,990 और डील के वक्त कुछ कम होता रहता है, यानी कि 50K तक हो जाता है। तो आप देख सकते हो इन तीनों में से आपको कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो जो आज की वीडियो में जो आपको लैपटॉप्स बताएं इन जो इस वीडियो में से अगर आप चूज कर पाए आपको कौन सा लैपटॉप लेना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि ये वीडियो कैसा लगे। और अगर आपके एक दोस्त को भी लैपटॉप लेना है तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ चाहते हो ना तो बेल आइकन को ऑल पे कर दो, और ऐसी लेटेस्ट अगर जिस वीडियोज़ आपको मिलती ही रहेगी नोटिफिकेशन उनके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।